Hey aspirants, please subscribe our channel and hit the bell icon to get the notification for all the latest uploads. Well, hello everyone and welcome to our channel, The Nation Needs You, all about SSB. And as I have already promised to you all that after the first video on the impact of coronavirus on Indian economy, we would be covering the second segment of the same topic, which is how to remediate it, or what are the different measures which Indian economy needs to adopt in order to overcome that corona's impact, which has almost hit every single sector of our economy. So without wasting any time, I would be starting the video, and at the start, as I always ask you all to please like, share and subscribe our channel. And also, all the points which are being mentioned in this slide, these are important not only lecturer point of view, but also from the GD point of view. What happens is that in GD, they will give you this question that how can India remediate the corona's impact on the economy? Number one, number two, or number three. They will give you three possible options, and on the basis of those options, they will ask you to initiate the discussion. So here we go. The first and most important step that India needs to take is the Make in India initiative and identification of key areas. आप सभी न्यूज़ के थ्रू या जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट पैनल के लोग हैं या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनकी बात आप सुन रहे हो तो आपको कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी. जैसे आपने देखा होगा कि चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो मेडिसिंस हो, चाहे वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल की दुनिया से आती हैं और जो कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. वो मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिया ने भेजी कई सारे देशों में, और इसी वजह से इंडिया को एक ऐसे डेस्टिनेशन या एक ऐसे सप्लाई नेशन के रूप में देखा जा रहा है जहाँ पे कि इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो संख्या है या जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही बड़े स्केल पे होती है. दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने ये भी सुना होगा न्यूज़ में कि स्पेन में जो चाइना का मेडिकल किट गया था या जो चाइना से मेडिकल इक्विपमेंट्स गए थे वो सभी के सभी फॉल्टी निकले, और उन फॉल्टी मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्पेन ने तुरंत वापस कर दिया चाइना को. तो जो इस तरीके का एक ट्रस्ट चाइना के ऊपर से लोगों का हटता जा रहा है, या फिर जो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है, उस चीज़ को इंडिया चाहे तो बहुत ज़्यादा भुना सकता है. इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें. फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स टू प्रोवाइडिंग फेवरेबल मार्केट कंडीशन कैन बी अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इकोनॉमी. हमारे देश में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. इसके अलावा अभी दुनिया के जितने भी बड़े मुल्क हैं उनकी नीड है ये दवाएँ, उनकी नीड है कि उनको पीपीई किट मिले. आप सभी जान रहे होंगे कि विद इन टू मंथ्स, जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ या जब से कि पूरी दुनिया को पता चला कि ये एक पैंडमिक का रूप ले चुका है, तब से इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाया, और कम स्टाफिंग में ही आज की डेट में हम दूसरे नंबर पे पीपीई किट बनाने वाले देश बन चुके हैं. और इस तरीके का जो एक आप कह सकते हैं कि दबाव के बीच में किया गया डेवलपमेंट, वो अपने आप में एक मिसाल है. यहाँ पे आपको एक टर्म रेड कलर में दिख रहा होगा, विच इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई. एपीआई का मतलब है कि किसी भी दवा को बनाने के लिए, दवा को जिसको हम ड्रग्स भी बोलते हैं, किसी भी ड्रग्स को बनाने के लिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं. अभी तक कोरोना के पहले तक या जो रिसेंट ट्रेंड्स अगर हम देखें तो उसमें चाइना जो था वो सबसे बड़ा सप्लायर था. ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं बनता, लेकिन चाइना के पास तब भी पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा होल्ड थी अपने एपीआईज को लेकर. इंडिया वाज वंस अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सच एपीआईज बट लॉस्ट ग्राउंड टू चाइना. यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ लिखी है कि इंडिया मेजर प्रोड्यूसर था, लेकिन जो चाइना है वो इंडिया से भी आगे जा चुका था एपीआई के मैन्युफैक्चरिंग में. इंडिया को अब इस वैकेंसी को, जो एक ये वैकेंसी क्रिएट हुई है चाइना के इस नंबर वन पोजीशन से हट जाने की वजह से, उसे फुलफिल करना है. और ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंड और एनालिसिस है वो नई आ चुकी है, लेकिन चाइना के ऊपर से बड़े बड़े मुल्कों का जो एक विश्वास था वो सीधे सीधे जाता हुआ दिख रहा है. इंडिया कैन सीज दिस ब्रिलियंट चांस बाय स्केलिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन वॉर स्केल.
ऑल कंट्रीज आर इन नीड एंड इंडिया हैव द रिक्वायर्ड मैन पावर. हमारे पास लोगों की कमी नहीं है. अगर हम 30% स्टाफिंग के साथ भी काम करेंगे तो हम कई देशों से ज़्यादा और कई गुना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इस तरीके की मेडिकल इक्विपमेंट्स को. और इन मेडिकल इक्विपमेंट्स का दाम अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं बचा है जहाँ पे कि कोरोना का आउटब्रेक ना हो चुका हो एक्सेप्ट एंटार्क्टिका फॉर ऑब्वियस रीजन. सो इंडिया नीड्स टू सीज दिस ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज स्लाइट चेंज इन इंडस्ट्री पॉलिसी, ओपनिंग न्यू चैनल्स ऑफ FDI, वेलकमिंग फॉरेन कंपनीज टू स्टैब्लिश देयर यूनिट्स इन इंडिया. इस एक एक पॉइंट को प्लीज ध्यान से समझिएगा. ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये एक MBA की बहुत ही अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ पास की गई एक जो हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं उनके थ्रू दिए गए हैं. एंड शी हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड ऑन ईच एंड एवरी वर्ड. इंडस्ट्री पॉलिसी, ओपनिंग न्यू चैनल्स ऑफ FDI, वेलकमिंग फॉरेन कंपनीज, इस तरह के वर्ड्स आपको बताएंगे, आपके लिसनर को बताएंगे कि येस यू हैव होल्ड ऑन दिस सब्जेक्ट. अगर आप इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं बदलोगे तो कोई भी नई कंपनी अगर आपके देश में आएगी तो उसे पता ही नहीं होगा कि क्या क्या जो यहाँ के नॉर्म्स हैं, किस किस के हिसाब से उन्हें अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉर्मुलेट करने हैं, लेबर लॉज कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करने हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए उनको कैसा फेवरेबल कंडीशन डालना है. तो इंडस्ट्री पॉलिसी को थोड़ा फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है. ऑलरेडी मेक इन इंडिया के तहत इंडस्ट्री पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली किया जा चुका है, लेकिन क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि हर देश चाह रहा है कि उसे कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जगह मिले. आपने अगर आप लास्ट में देखो तो इसमें लिखा है वेलकमिंग फॉरेन कंपनीज टू एस्टैब्लिश देयर यूनिट्स इन इंडिया. मतलब वो चाहती हैं कि उनको जगह मिले जहाँ पे वो अपनी इंडस्ट्रीज रखें. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक बड़ा मैन पावर सपोर्ट उन्हें मिलेगा. कई लोग यहाँ पे वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, वो भी चीप लेबर पर. आपको ये समझना होगा कि वो कंपनियां जो अगर अमेरिका में अपना प्लांट डालती हैं या फॉर दैट मैटर UK की किसी जगह पे अगर वो अपना प्लांट डालती हैं तो वहाँ पे उन्हें लेबर बहुत महंगा पड़ेगा. उनके कंपैरिजन में इंडिया प्रोवाइड्स वेरी चीप लेबर एंड आल्सो वेरी वेल सूटेड एनवायरनमेंट फॉर देयर इंडस्ट्री टू फ्लरिश. कैसे? उनको कंज्यूमर्स भी यहीं पर मिल जाएंगे. हमारा देश इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है कि यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री अपना सामान भी बेचना चाहे तो आसानी से बिक सकता है क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर्स हैं और कंज्यूमर्स जो हैं वो अफोर्डेबल चीज़ों को आराम से ले सकते हैं. सो जो जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा सा हमें पॉलिसी को अपने चेंज करना होगा. न्यू चैनल्स ऑफ FDI, न्यू चैनल्स ऑफ FDI का मतलब है जो कैश का इनफ्लो है वो ज़रूरी नहीं कि सीधे सीधे मार्केट में इन्वेस्ट हो या सिर्फ इंडस्ट्रीज लगा के ही इन्वेस्ट हो. पार्टनरशिप में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है. कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो पब्लिक फंडेड जो फर्म्स हैं या जो पब्लिक फंडेड जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें भी पार्टनरशिप के बेसिस पे आप प्राइवेट फर्म्स को एनकरेज कर सकते हो कि वो इन्वेस्ट करें. तो कुल मिला के हमें बाहर का पैसा अपने देश में लाना है, उन्हें हमें वो मौके देने हैं, वो जरिए देने हैं जहाँ से कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकें. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप API का पॉइंट बोलो, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरीके से फ्लरिश करें. और जो अभी हमने देखा 66 कंट्रीज़ जहाँ पे कि दवाइयाँ पहुँची हैं कोरोना को लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, तो ये खुद अपने आप में बताता है कि इंडिया का सरप्लस कितना हाई है, इंडिया के पास कितना बड़ा स्टॉक है मेडिसिन का. और एट अ टाइम, कैन यू इमेजिन, एट अ टाइम 66 कंट्रीज़ की रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. अब जो दूसरा मैंने कहा ना कि आपको टारगेट करना है, यू हैव टू टारगेट कि किस इंडस्ट्री में कहाँ पे स्कोप है. दूसरी इंडस्ट्री है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें आते हैं मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स और भी तमाम एक्सेसरीज. एक्सेसरीज में जैसे पेन ड्राइव आप ले सकते हैं, आप हेडसेट्स ले सकते हो, माउस, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर एक्सेसरीज. अब आप ऐसे समझो कि चाइना जो है वो ऑलरेडी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में बहुत ही आगे चल रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो ये वुहान की क्राइसिस हुई, जो ये कोरोना वायरस हुआ, तो वहाँ पे अब जो फर्म्स हैं वो अपनी यूनिट्स को हटाना चाह रही हैं. क्यों? क्योंकि बहुत फ्रजाइल एनवायरनमेंट है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता. सो इंडिया के पास फिर से इस सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. देर इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज कंपनीज एज मैन्युफैक्चरर्स एंड एंड प्रोडक्ट सप्लायर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. सी, मैन्युफैक्चरर का मतलब है कि वो मैन्युफैक्चर भी कर रही है और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको भी दे रही है.
From India's point of view, this industry can see a great opening and Indians can be encouraged to embrace the nationalist fabric and purchase more from home suppliers. एक एक वर्ड पे ध्यान दो, जो जो इसमें लिखा है उसको ध्यान से आप सुनो. इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक नेशनलिस्ट फैब्रिक को अडॉप्ट करे. नेशनलिस्ट फैब्रिक का ये मतलब है कि हम अपने देसी माल को खरीदें, हम अपने देश में जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको खरीदें. इससे होगा कि आप समझिए, इससे ये होगा कि जो हमारे देश में चीज़ें बनाई जाएंगी उनको घर ही में कंज्यूमर मिल जाएगा. ऐसे क्या हो रहा है कि चाइना का सामान यहाँ पर आता है, हमारे कंज्यूमर्स उनको खरीदते हैं, तो वो पैसा चाइना की जेब में जा रहा है. हमें चाहिए कि हम अपने ही होम सप्लायर्स को सपोर्ट करें. भाई जो पैसा आप चाइनीज फॉर्म के किसी प्रोडक्ट के लिए दोगे वो आप अपने देश के लिए दे दो. तो इससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक स्कोप डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज बाहर आएंगी, आगे आएंगी, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आगे आएंगे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के बाद एक दूसरा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें अगर सही तरीके से स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए और कंज्यूमर्स को इनक्रेज किया जाए, तो कोरोना वायरस से ये इंडस्ट्री क्योंकि हिट हुई है तो इंडिया के लिए एक नया स्कोप इस इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है. दिस विल जनरेट रेवेन्यू विद इन डोमेस्टिक मार्केट. जो मैंने आपसे कहा कि अगर हम अपने ही देश की कंपनीज का सामान अगर लेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में ही रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इससे प्रॉफिट गेन करेंगे. वो प्रॉफिट गेन करेंगे तो वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट का जो खजाना है वो भरेगा. सो यू नो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. वन स्टेप ऑफ योर्स इज गोइंग टू डिसाइड दैट हाउ दैट मनी इज गोइंग टू फ्लो. एंड जस्ट इमेजिन वी आर 130 बिलियन पीपल. एक बंदे का या एक बंदी का स्टेप अगर कई लोगों से मल्टीप्लाई हो जाए और कई हम लोग मिलके अगर ऐसा करेंगे तो कोरोना वायरस से जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है उसको हम सभी मिलके ओवरडू कर सकते हैं. हमारे सामने सिर्फ एक चैलेंज है, वो क्या है, इंडिया नीड्स टू इनोवेट मोर टेक्निकली टू सेट द एक्सपेक्टेशंस पर इंटरनेशनल लेवल. सी हम हमेशा ना सिर्फ सपने नहीं देख सकते, हमें रियलिटी भी समझनी होगी. हमें चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो टेक्निकली एडवांस स्किल्स को और जो एडवांस मॉडल्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट में इनकलकेट करें. सी लेट मी टेल यू द ग्राउंड रियलिटी. ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आपके पास 10,000 में दो फ़ोन का ऑप्शन है, एक है आपकी जो होम कंपनी जिसमें कि फीचर्स कम है लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो ये पैसा मेरे देश में जाएगा, मेरे जैसे ही किसी दूसरे भारतीय के जेब में जाएगा. दूसरा ऑप्शन है उसी 10,000 में एक चाइनीज़ फर्म जो कि आपको ज़्यादा शायद उसके दुगने फीचर्स दे रही है लेकिन आपको पता है कि ये पैसा सीधे सीधे जाएगा चाइनीज़ मार्केट में. तो अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स इस बात का ध्यान दे दें और जिस तरीके का इंटरनेशनल एक बेंचमार्क है टेक्निकली एडवांस हैंडफोन्स का, या आप कह सकते हो कि फ़ोन्स का, मोबाइल फ़ोन्स का, तो अगर वही चीज़ वो अपने उस प्रोडक्ट में लॉन्च कर दें देन वाई वी इंडियन वुड गो समवेयर एल्स, राइट. सो दिस इज़ वॉट द चैलेंज इज दैट द इंडियन कंपनीज नीड टू इनोवेट द फीचर्स ऑफ द फोन्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि नहीं है, है. कई ऐसे हमारे जो होम सप्लायर्स हैं उनके फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं लेकिन चाइना उसी के पैरेलल कम दाम में दे देता है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड आई नो दैट दिस इंडस्ट्री, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री is at a different level of revolution and soon we will be seeing the results as well. Aisa nahi ki results nahi aayenge, aayenge, but we have to wait a little bit. Firms are withdrawing their units from China due to loss of trust in the bureaucracy in the backdrop of Wuhan crisis. India is the only country with size of population almost similar to China, same weather conditions and big consumer market. Please mind each and every word. Hamari population China ke barabar hai. वहाँ की वेदर कंडीशंस हमारी वेदर कंडीशन से मिलती हैं, और तो और उनके जैसा ही हमारा भी बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है. अगर कोई फर्म अपनी यूनिट्स हटा रही है चाइना से तो वो इंडिया की तरफ ज़रूर देखेगी. क्यों भाई, लेबर मिल रहा है, लैंड मिल जाएगा, गवर्नमेंट हेल्प कर देगी, तो सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है और ट्रस्ट भी मिल जाएगा क्योंकि इस पूरे के पूरे क्राइसिस में कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक फैब्रिक है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी नेशन के रूप में उभर कर आया है. So this is what the need of ours is. In fact, the setup cost and initial investment.
प्लीज दोनों वर्ड्स को ध्यान देना, सेटअप कॉस्ट, किसी भी नई कंपनी की नींव रखने में जो सेटअप कॉस्ट आएगा और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे, वो जो कंपनी होगी वो ज़मीन खरीदेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो उसको रेंट पे लेगी, उसके बाद वहाँ पे पूरा का पूरा अपना सेटअप बैठाएगी, रिसोर्सेज हायर करेगी, रिसोर्सेज हायर करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का डेवलप करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद जाके वो पूरा का पूरा फर्म जो होगा वो ऑपरेशनल होगा। तो इनिशियल कॉस्ट भी इंडिया में बहुत चीप है। और आप नीचे एक ये हेडलाइन देख रहे होगे दैट जापान टू पे फर्म्स टू लीव चाइना, तो सोचिए आप वर्ल्ड ट्रिब्यून या इस तरीके के न्यूज़पेपर्स में, इस तरह के कॉलम्स में अब ये खबर छप रही है मोटी मोटी कि चाइना से फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े देशों की फर्म्स अब अपना यूनिट हटा रही हैं। तो हमेशा याद रखना, बिजनेस का एक रूल होता है, दूसरे का नुकसान आपका फ़ायदा हो सकता है या आपका नुकसान दूसरे का फ़ायदा। तो चाइना को जो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, जो उसके क्लाइंट्स वहाँ से जा रहे हैं, उन क्लाइंट्स को इंडिया ट्रैक कर सकता है इस मूवमेंट पे। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये तो हमने बात कर ली कि भाई आप जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो, उसमें किस तरह से कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स। सबसे पहला, इनफ्लक्स ऑफ FDI, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी विल डायरेक्टली प्रोवाइड द मच नीडेड, प्लीज इग्नोर द टाइपो हियर, द मच नीडेड थ्रस्ट टू इकोनॉमी। मार्केट्स विल ग्रो एंड जंप विद मोर इन्वेस्टर्स मनी, शेयर्स एंड स्टॉक्स विल गो हाई एंड ट्रेंड्स विल बी इन ग्रीन। बहुत आसान है, अगर आप नहीं भी हो ना कॉमर्स बैकग्राउंड के, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड की नहीं हूँ, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऐसे समझो, बाहर का पैसा, विदेशी मुद्रा आपके देश में आएगा, उस मुद्रा को, वो मतलब जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट किया जाएगा यहाँ पे किसी ना किसी तरह के नए यू नो बिजनेस सेटअप के लिए। बिजनेस सेटअप होगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार टैक्स नहीं लेगी, सरकार टैक्स लेगी, टैक्स लेगी। और तो आप ही स्मॉल इन्वेस्टर्स बन सकते हो, जैसे जो शेयर्स में या जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है तो क्या है, वो आपके पैसे को वो किसी ना किसी शेयर को खरीदने में यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगा, एक्टिविटी होगी, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मनी जो है वो जंप करेगा, हमारे शेयर, स्टॉक सब कुछ जो है वो ग्रीन में ट्रेंड करने लगेंगे। तो FDI जब बाहर का पैसा आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, जो कि बेनिफिशियल होगा ही होगा अगर सही तरीके से इन्वेस्ट, क्योंकि देखो आप ऐसे समझो, वो किसी ना किसी बिजनेस माइंडेड फर्म का वो पैसा है तो वो उसको लॉस में लगाएंगे ही नहीं। तो जब आपके देश में FDI आएगा तो उससे डायरेक्ट आप ही की इकोनॉमी को फ़ायदा भी होगा। और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखे हुए है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का देश आके यहाँ पे पैसा बना के और चला जाएगा। नो, इंडिया अगर आपको लेबर दे रही है, आपको जगह दे रही है, लोकेशन दे रही है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, सूटेबिलिटी दे रही है, तो इसके बदले में वो चीज़ें भी आपसे लेगी, इसके बदले में वो प्राइस भी आपसे लेगी, राइट? तो सबसे बड़ा तो जो हमें फ़ायदा होगा वो होगा इन्फ्लक्स ऑफ FDI। दूसरा, राइज इन एम्प्लॉयमेंट। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितना ज़्यादा ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन है FDI का या जो बाहर की फर्म्स हैं उनका इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देने में। अगर आप स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स में जाओगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितना बड़ा तबका हमारे यूथ का जो है वो किसी फॉरेन कंपनी, आप कह सकते हो MNC, इसमें काम कर रहा है। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, लेट्स से कोई फुटबॉल मेकर कंपनी है, उस फुटबॉल मेकर कंपनी की फुटबॉल को आप हरियाणा के गाँव में औरतों को सिलते हुए देख सकते हैं, और तो और जो ड्रेसेस बनती हैं जो बाहर के मार्केट में बिकती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं इंडिया में सेटअप होती है, सूरत में, जहाँ पे कि बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है, या आप कोई भी एग्जांपल ले लो जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडिया में उसके जो गुड्स हैं उनको फिनिशिंग तक करके भेजा जाता है बाहर। तो एम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है, अगर हमने सही तरीके से कोविड की सिचुएशन को अपने फेवर में यूज़ किया तो एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और यही अभी हमारे सामने चैलेंज भी है, क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस ठप पड़े हैं उनकी वजह से लोगों की जॉब्स जा रही हैं। अगर जॉब्स जाएंगी तो लोग फिर जॉब के लिए वो यू नो दे विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग थ्रेटेंड दैट देयर जॉब इज़ गोइंग। सो जो अभी हमारा बिगेस्ट चैलेंज है दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। विद मोर इंडस्ट्रीज कमिंग इन, मेनी जॉब्स विल गेट क्रिएटेड फ्रॉम द फील्ड वर्कर्स, अगेन देर इज अ टाइपो, फ्रॉम द फील्ड वर्कर्स टू सर्विस क्लास, विच विल गिव मनी इन हैंड ऑफ द कंज्यूमर्स। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आप पूरी साइकिल को समझो। कोई नई फर्म आई, उसने यहाँ पे इंडिया में अपना कोई यूनिट डाला, उसके बाद वहाँ पे उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसने हायरिंग की,
हायरिंग की तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अमेरिका की फॉर्म है तो अमेरिका से लोगों को लेकर आएगी, इंडिया के ही लोगों को लेगी। इंडिया के हर लेवल का बंदा, चाहे वो फील्ड वर्कर हो, चाहे वो कोई यू नो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर टाइप का बंदा हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बंदा हो, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई बंदा हो, किसी भी तरीके का बंदा हो, उसको कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री जो है वो उसकी नीड में वो फिट बैठ जाएगा। जैसे ही आप जॉब्स क्रिएट करोगे, रिसोर्स हायरिंग करोगे, उसके बाद जब आप सैलरी दोगे उन लोगों को, उन लोगों की सैलरी हाथ में आते ही उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद पाएंगे। वो जब चीज़ों को खरीदेंगे तो वो कंज्यूमर बनेंगे किसी और इंडस्ट्री के लिए। लेट्स से आप टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो, जब लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी होगी तो वो टूथपेस्ट खरीदेंगे और वो टूथपेस्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट है, तो इंडस्ट्री को क्या मिल गया, कंज्यूमर मिल गया। तो ये चेन रिएक्शन बनती है, एक इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयर होगा वो किसी दूसरी इंडस्ट्री का कंज्यूमर होगा। इस तरीके से जो पैसा है वो पूरे के पूरे मार्केट में फ्लो करता है। इसीलिए राइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या दिस इज ऑल्सो द नीड ऑफ आर, जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो उनके खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो दूसरे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। अब आता है स्टेबिलिटी इन मार्केट एंड इंडियन रुपीज। प्लीज लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली, सिर्फ मार्केट ही स्टेबल नहीं होगा, इंडियन रुपीज भी स्टेबल होगा। देखो आप ऐसे समझो, ट्रेड जो है ना वो इकोनॉमी का बैकबोन होता है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 लोगों के साथ अपना बिजनेस ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको 3 लोगों के साथ नुकसान हो रहा है, तो बाकी 7 के साथ जो गेन होगा उससे वो कंपनसेट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 ही लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके नुकसान की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ट्रेड जितना ज़्यादा इंडिया करेगी उतना ही ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो अपने सारे के सारे क्लाइंट खोने की कगार पे है। मुझे पता है कि चाइना जो है वो इतना आसानी से चुपचाप नहीं बैठेगा, इट्स वेरी नोटोरियस सॉर्ट ऑफ कंट्री एंड दे विल कम आउट विद सम एक्स वाई जेड सॉल्यूशन टू इट। लेकिन जो ट्रस्ट है ना वो फिर से बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इंडिया को चाहिए कि वो इसी चीज़ को यूज़ करे अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए। सी ट्राई टू कैप्चर दीज वर्ड्स, अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए इंडिया इस अगर सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है तो हमारी नेशनल करेंसी रुपीज़ में भी बहुत इजाफा होगा। अब आता है यहाँ पे NPA, दैट इज़ हैंडलिंग द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसको ना नाम से समझो आप, assets, assets means which is something profitable to you, right? It could be your laptop, it could be your mobile phone, it could be somebody's house, it could be somebody's car, anything. लेकिन वही asset जिसको कि आप profit motive से possess कर रहे हैं, अगर वो performance ना देने लगे तो वो हो जाता है non-performing assets. अब हमारे banks का मैं आपको बहुत ही basic तरीका बताती हूँ। banks क्या करती है कि जिस किसी को भी पैसे की ज़रूरत होती है उसे पैसा वो देती है in the form of debt, उन्हें loan देती है। उस लोन पे वो कुछ परसेंट चार्ज करती है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो है वो उसके साथ जिस किसी ने भी वो पैसा लिया होगा वो बैंक को वापस करेगा। और इसी पूरे ट्रांजैक्शन में, अब इंडिया छोटा कोई देश तो है नहीं, यहाँ पे कई सारी फर्म्स हैं, कई सारे लोग हैं, तो होता क्या है कि जो असेट है बैंक का वो कुछ टाइम के बाद परफॉर्मेंस अपना नहीं दे पाता, तब हमारे पास NPA हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो थोड़ी सी टेंशन देने वाली हैं। क्या है, रिपोर्ट सजेस्ट दैट अराउंड 1/3 ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस फर्म्स हैव अप्लाइड फॉर मोराटोरियम। मोराटोरियम का क्या मतलब है, मोराटोरियम का ये मतलब है अगर किसी फर्म ने बैंक से लोन लिया है और बैंक ने लेट्स से 5 साल का टाइम दिया उस फर्म को कि आप 5 साल में अपने पैसे हमें वापस कर देना, लेकिन फॉर सम रीज़न, जैसे अगर आप मोराटोरियम का मतलब भी देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है अ लीगली ऑथराइज पीरियड टू डिले पेमेंट ऑफ मनी ड्यू और द परफॉर्मेंस ऑफ सम अदर लीगल ऑब्लिगेशन एज इन एन एमरजेंसी। इसका ये मतलब है कि जो वो 10 साल का या जो 5 साल का पीरियड बैंक ने दिया है आपको पैसे वापस करने के लिए, किसी भी सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी की वजह से आप थोड़ा सा उस बैंक से आप मांगो टाइम, लेट्स से कि 3 महीने का आपको मोराटोरियम दे दिया गया, तो इससे क्या होगा कि वो 3 महीने आपके पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जिस दिन से वो 3 महीने स्टार्ट होने वाले थे उस दिन से ना स्टार्ट हो के उस 3 महीने को सरकार पीछे शिफ्ट कर देगी। तो इससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा टाइम बाई कर लेते हो, आप थोड़ा सा टाइम ले लेते हो जिसमें कि आप अपने असेट्स को यूज़ करके रेवेन्यू जनरेट करोगे और फिर पैसे को वापस कर सकते हो। तो जो अभी हमारे पास
रिपोर्ट है उसमें ये देखा गया कि 1/3 इंडस्ट्रियल और सर्विस फर्म्स जो हैं उन्होंने मोराटोरियम का अपील किया है गवर्नमेंट से। और ये जो अपील है ये अपील बहुत लंबे टाइम के लिए भी खिंच सकती है। क्यों? क्योंकि अभी वैक्सीन नहीं आई है, जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो सितंबर के बाद की है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसको हम कैसे टैकल करें? इफ़ ओनली क्वार्टर ऑफ दीज लोन्स विल इफ अनफॉर्चुनेटली गोज बैड इट कैन कॉज NPAs इक्विवेलेंट टू ₹5 लाख करोड़। अब बैड लोन समझो, बैड लोन का ये मतलब है कि लेट्स से किसी XYZ फर्म ने बैंक से लोन लिया लेकिन वो अपने ड्यू डेट पर या मोराटोरियम के ख़त्म होने के बाद भी पे नहीं कर पाई और वो बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्सी के केस में अब जो लोन उसने लिया है उसके बैंक को वापस करने की प्रोबेबिलिटी घट गई और वो लोन जो है अब वो NPA में कन्वर्ट हो गया। तो जितने भी फर्म्स हैं जिन्होंने मोराटोरियम के लिए अप्लाई किया है, अगर उनका 1/4 भी, अगर उनका 1/4 भी बैड लोन में कन्वर्ट हो गया तो वो पूरा इक्विवेलेंट होगा 5 लाख करोड़ के, जो कि इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। अब इसको कैसे प्रिवेंट करें? फर्स्ट, बाई प्रिवेंटिंग बैंकरप्सीज फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। टू डू दिस बैंक्स विल नीड टू आइडेंटिफाई द फर्म्स दैट आर वाइबल एंड लेंड देम द फंड्स दे नीड टू टाइड देम ओवर द इमीडिएट क्राइसिस। अब इस पूरे स्टेटमेंट को आप समझो, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इससे वर्स्ट हिट हैं। जो स्टार्टअप्स हैं वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा हिट हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ना, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास अभी भी उनका सरप्लस अमाउंट है, अभी भी उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने इंडस्ट्री को आगे भी चला सकती हैं। तो बैंक्स को क्या चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि वो कौन कौन सी फर्म्स हैं जिनसे जिनको कि वो पैसा दे सकती हैं, ताकि बैंक का लेंडिंग प्रोसेस चलता रहे। यही इसमें लिखा हुआ है कि बैंक्स विल नीड टू आइडेंटिफाई द फर्म्स दैट आर वायबल। लेट्स से कि मैं कोई बहुत ही रिच बिजनेस टाइकून हूँ, इस कोरोना क्राइसिस के बाद भी मेरी इंडस्ट्री अच्छे से चल रही है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं बैंक के पास जाऊँगी। तो बैंक को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जो अभी भी इस पोजीशन में हैं कि वो लोन ले सकें, उनको लोन दें, ताकि जो उनका ट्रांजैक्शन है वो चलता रहे। ट्रांजैक्शन चलता रहेगा तो किसी भी बैंक के बैंकरप्ट होने की सिचुएशन ज़ीरो हो जाएगी। तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप है रिकवरी। रिकवरी कैसे? आप मान लो कि बैंक को ये पता चल गया है कि सो एंड सो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट होने ही वाली हैं या वो किसी भी वक्त जो है उनका दिवालिया घोषित हो सकता है, तो उन्हें क्या चाहिए कि उनके एसेट्स आइडेंटिफाई कर लें। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से कि कोई सन्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई कंपनी है, वो कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट होने वाली है, उसके शेयर्स बहुत डाउन चल रहे हैं या उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, प्रॉफिट भी वो कंपनी कुछ नहीं कर रही है बल्कि लॉस में जा रही है। तो बैंक्स क्या करें कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर ले और उनके जो असेट्स हैं उनको तुरंत बेच दे। तुरंत बेचने से उन असेट्स की वैल्यू उनको मिल जाएगी। जैसे कि आप ऐसे समझो कि जो बिजनेसमैन होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, तो गवर्नमेंट ना उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेती है और उस प्रॉपर्टी को फिर वो बेच देती है। उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो भी पैसा आता है उससे उस पर्टिकुलर डिफॉल्टर का लोन कंपनसेट होता है। विजय माल्या या जो नीरव मोदी जिनका इतना नाम लिया जा रहा है, इनका यही है, इनके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सीज करेगी गवर्नमेंट और उनको बेच के रिकवरी कर लेगी। लेकिन इस प्रोसेस को ना फास्ट होना पड़ेगा। अगर ये फास्ट नहीं होगी प्रोसेस तो दिन पर दिन डेब्ट का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और तो और जिस भी प्रॉपर्टी को बैंक बेचने के लिए जाएगी उस प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए जो रिकवरी प्रोसेस है उसको स्विफ्ट होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो। इससे हम NPA का जो प्रॉब्लम है उससे हम आसानी से उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सी, ये जो है ना, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है डिबेट के लिए और ये इंटरनेशनल लेवल का हॉट टॉपिक है। क्यों? ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि रोबोट्स और इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होंगी। जापान वगैरह में तो मतलब इतना ज़्यादा ये रोबोट का प्रचलन हो चुका है कि वो डे टू डे लाइफ में भी यूज़ हो रहा है। वहाँ के रेस्टोरेंट्स में, वहाँ के होटल्स में रोबोट से ही काम चल रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि समय ऐसा आने वाला है जब जो ह्यूमन्स हैं उनकी जॉब चली जाएंगी और रोबोट्स और मशीन्स जो हैं वो उनकी जॉब ले लेंगी। तो ऐसे टाइम में फिर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। और तो और जो कोरोना वायरस है ये अपने आप में एक पहले किस्म का पैंडेमिक है। इसके पहले ऐसा कोई पैंडेमिक नहीं देखा गया था जिसमें घर में रह लें, ट्रेन्स बंद हो जाएं, एयरप्लेन्स बंद हो जाएं। ये अपने आप में पहला है और कोई गारंटी भी नहीं है कि ये पहला है, इसके बाद भी कई आ सकते हैं। तो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे UN हो,
इनको चाहिए कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट लाएं और इसके लिए कोई वो फॉर्मूला बताएं। वो फॉर्मूला नेशन स्पेसिफिक हो, हर देश को उस फॉर्मूले पे अपने मतलब जो भी उसके पैरामीटर्स हो उनको लगाने हो और उससे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाले जो कि उनको अपने हर सिटीजन को देना हो। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा तो हमारी सरकार तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है, जो किसानों को पैसा मिल रहा है, भले ही कितना भी मिल रहा है लेकिन मिल रहा है ना। तो इस तरह की यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट आना चाहिए और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट चल भी रही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में अभी ऑल द टाइम का जो सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हो चुका है, ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात हो चुके हैं ऑलमोस्ट हर देश में। तो हमें चाहिए या पूरे मतलब वर्ल्ड को अब इस पर बात करनी पड़ेगी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो, उसका फॉर्मूला बनाया जाए, उस फॉर्मूला पे जो भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से देश अपने अपने देश के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम निकालें और सिटीजन्स को दें, ताकि फिर से अगर कोई क्राइसिस आई तो ये इतना जो इतना प्रॉब्लम या पैनिक जैसी सिचुएशन है ना कोरोना की वजह से, ऐसी सिचुएशन कम हो। अब तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। जो हमारा माइग्रेंट ग्रुप है उसको अब आज की डेट में फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जो क्राइसिस है पैंडेमिक की, ये कई गुना बढ़ जाएगी अगर माइग्रेंट्स में जो कोरोना का ट्रांसमिशन है वो हो जाए, क्योंकि वो अपने गांव वापस जा रहे हैं, वहाँ पे वो अपने गांव में भी लोगों को ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स को हमें फॉर्मल सेक्टर में लाना होगा। देखिए, फॉर्मल सेक्टर में आते ही ना बहुत कुछ बदल जाएगा। जितने भी मजदूर होंगे उनके बैंक अकाउंट्स हो जाएंगे अपने एम्प्लॉयर के पास, उसमें ईपीएफ जैसी स्कीम्स को भी वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जो फंड है ना वो स्मार्टली और एफिशिएंटली फिर इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि लैक ऑफ फंड इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ नॉलेज इज। उनको जो मजदूर हैं उनको ये बताना भी पड़ेगा या उनके एम्प्लॉयर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप उनको बताओ कि उनका पैसा कहाँ पे है, कैसे यूज़ हो सकता है। और ऐसी जो सिचुएशन है, जो ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन है, अगर ये फिर होती है तो उनके पास कुछ सेविंग हो, वो भागे नहीं उस जगह से। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो जिस भी जगह पे वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने सेविंग्स नहीं ठीक से की होंगी, या अगर पैसे आ भी रहे होंगे तो उनको सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट करें उसका आइडिया उनको नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये तभी ठीक हो सकती है जब आप प्रॉब्लम आने के पहले ही प्रिपेयर्ड रहो, और ये करना पड़ेगा। देयर कैन बी अ ग्रेट डील ऑफ मनी फ्लो इफ दिस क्लास विल अपग्रेड इटसेल्फ फाइनेंशियली। दिस विल ऑल्सो हेल्प देम बी रेसिस्टेंट टूवर्ड्स इरेग्युलर फाइनेंशियल हिट्स। अगर फिर से कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो उनके पास पैसे रहेंगे जिससे कि वो उसी जगह पे रहें और उनको इतना प्रॉब्लम ना झेलना पड़े एक जगह से दूसरी जगह भागने की। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगी दैट एनीथिंग टेक्स लेस टाइम इन ब्रेकिंग बट लॉन्ग टाइम इन मेकिंग। चीज़ों को टूटने में और बेकार होने में कम टाइम लगता है और उन्हें बनाने में बहुत लगता है। द लॉस इज ह्यूज, सो डज विल बी द एफर्ट्स रिक्वायर्ड। जो ये लॉस है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इतने बड़े देश हैं, 130 crores, लाइक इट्स अ वेरी बिग पॉपुलेशन। तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हम सब इतने सारे हैं तो हम सब मिलके इस लॉस को ना ओवरडू कर सकते हैं। हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग खड़े रहना पड़ेगा। जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का मशीनरी है वो हमारे ही एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो ये क्राइसिस जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, बट ज़रूर जाएगी। एंड आई बिलीव कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इनको ध्यान से सुना होगा तो चाहे कोई भी GD आए, चाहे कोई भी लेक्चरेट आए, यू विल नॉट फंबल एट ऑल। हर एक पॉइंट, चाहे वो NPA का हो, चाहे वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है, वो भी लेमैन लैंग्वेज में। सो प्लीज़ शेयर इट एंड कमेंट, यू नो, जस्ट लेट मी नो व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, लेट मी नो व्हाट योर चैलेंजेस आर, लेट मी नो व्हाट यू नीड मोर फ्रॉम आवर चैनल, राइट? वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, वी जस्ट नीड योर सपोर्ट। द मोर यू विल सपोर्ट अस, द मोर वी विल सपोर्ट यू इन बैक। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट, एनी प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, एनीथिंग, इंस्टा ग्रुप, वेर एवर यू आर एज अ पर्सन, एज अ मेम्बर, प्लीज़ शेयर आवर चैनल। So till then, take care, and the nation needs you.